सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल सोनी जी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैंटीन अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो उसका आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे, ये आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है। इसमें आपको ये कंप्लीट डिटेल्स, आपको ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड जो आपको बनाने हैं वही पासवर्ड इसमें आपको टाइप करने हैं। उसके बाद में आपको नीचे जो कैप्चा कोड है वो लगाना है। ये देखिए पासवर्ड लगा रहे हैं। उसके बाद में ये कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद में कैप्चा कोड लगाइए और फिर आपको यहाँ पे नीचे जो सबमिट बटन है उसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के थोड़ा सा टाइम लेगा ये फॉर्म, क्योंकि वेबसाइट धीमी चल रही है। तो मैंने पहले से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रखा है। तो इसके लिए आपको नीचे जो लॉगिन पेज है उसके ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे आईडी टाइप करनी है, फिर नीचे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद में यहाँ पे कैप्चा और फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के तुरंत बाद में आपके सामने ये जो नया डायलॉग बॉक्स है ये आ जाएगा। इसमें आपको कैंडिडेट का जो नेम फिलअप करना है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम और उसके बाद में यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस टाइप करना है। इसके बाद में यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड और फिर यहाँ पे एड्रेस। यहाँ पे फोटो आईडी, आधार कार्ड, जो आधार कार्ड और फिर यहाँ पे आधार कार्ड का जो नेम है आधार कार्ड में वो टाइप करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आईडी कार्ड नंबर, आधार कार्ड का जो नंबर है वो टाइप करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप करनी है। इसके बाद में यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करनी है और ये कम्प्लीटली टाइप करने के बाद में देखिए आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर कुछ नेशनल हैं तो आप यहाँ पे यस करना है, फिर सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी, इसमें देखिए यहाँ पे जो टेंथ की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। टेंथ की यहाँ पे कंप्लीट डिटेल करनी होगी, यहाँ पे बोर्ड का नाम, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट जो मतलब कौन सी ईयर में की है वो टाइप करना है, यहाँ पे जो बोर्ड है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर दीजिए या उसका जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक है वो टाइप कर दीजिए। और ये कंप्लीट डिटेल टाइप करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन आएगा, इसमें यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है कि टेंथ में कितने टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सिक्स हैं तो सिक्स, फाइव हैं तो फाइव, यहाँ पे आपको सिक्स टाइप करने हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में फाइव होते हैं तो यहाँ पे फाइव टाइप करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट जो है उसकी आपको उसके आपको जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे टाइप करने हैं। हंड्रेड में से आते हैं सारे मार्क्स, यहाँ पे आपको टाइप करने हैं। फिर जैसे कि तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं, एडिशनल तीन सब्जेक्ट और ऐड करने हैं तो ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम टाइप करना है, फिर टोटल मार्क्स कितने हैं वो टाइप करने हैं, फिर वापस से ऐड सब्जेक्ट और यहाँ पे जो बाकी सब्जेक्ट है वो टाइप करना है। उसके बाद में वापस से ऐड सब्जेक्ट और यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट का नाम और यहाँ पे कितने में से कितने मार्क्स बने हैं वो आपको टाइप करने हैं। यहाँ पे जैसे लास्ट संस्कृत है तो ये कंप्लीट करने के बाद में नीचे की साइड में देखिए टोटल जो परसेंटेज हैं वो 48.50 हैं और यहाँ पे कंफर्म है तो अगर सही है तो कंफर्म करना है। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन है तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो इंग्लिश का सेंटर का बना हुआ होना चाहिए, वो यहाँ पे अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद में आपको नीचे की साइड में ऑप्शन है नो, उसको नो सेलेक्ट करना है और ये देखिए कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट करना है, इसमें कुछ नहीं करना ऑप्शन में, फिर सेव नेक्स्ट करना है। वेबसाइट धीरे चलेगी लेकिन आप वेट करना। इसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो
टेंथ की मार्कशीट, आधार कार्ड और नीचे देखिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सारी जानकारी एकदम सही होने के बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं पीडीएफ फाइल में, और कम्प्लीटली अपलोड होने के बाद में लास्ट में जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो लास्ट में खुलेगा। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने हैं, और ये करने के बाद में आपको नीचे की साइड में ऑप्शन मिलेगा पैलेस, वहाँ पे आपको पैलेस टाइप करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू करना है। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद में आपके सामने जो फॉर्म सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, और ये नीचे देखिए आपको इसके नीचे आपको लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच हुए हैं। फिर आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के तुरंत बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, उसके तुरंत बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ये देखिए नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली निकल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर कहीं भी रजिस्ट्रेशन क्रमांक नहीं आएगा, वो आपके मोबाइल पे आएगा, इसलिए वहाँ से आप लिख सकते हैं या फॉर्म में देख सकते हैं।